अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इटली में जाने का सोच रहे हैं एंड इटली में अपनी फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, ठीक है, एंड अगर आपका स्टडी गैप इन्वॉल्व है, आपकी लास्ट डिग्री 5 से 6 साल पहले थी, तो डोंट वरी, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई एम श्योर आपकी सारी क्यूरीज दूर हो जाएंगी एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ अमेजिंग पता लगेगा। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड मेक श्योर करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वेलकम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनवर फ्रॉम रिजॉल्वर इंटरप्राइजेज एंड आज मैं एक बहुत ही क्विक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज जो वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है वो अक्सर लोगों को उसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन होती है, एंड दैट टॉपिक इज के आपका गैप कितना होना चाहिए फॉर योर स्टडी इन इटली, के कितना गैप एक्सेप्टेबल है। तो गाइस, मैं आज की वीडियो में इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जितना एक्सप्लेन हो सके उतना एक्सप्लेन करूं एंड आपकी जो क्यूरीज हैं उनको मैं दूर करूं, उनको मैं क्लियर करूं। तो जस्ट कीप वॉचिंग टिल एंड एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे एंड आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें फायदा ये होता है कि हम हमारा कॉन्टेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन प्रोग्राम्स में एंगेज होकर अपने फ्यूचर को एक अच्छी तरह से शेप कर सकते हैं एंड उसको एक बेटर साइड पे लेकर जा सकते हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग। सो विद दिस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड मूव टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक एंड दैट इज के कितना गैप एक्सेप्टेबल है फॉर योर स्टडी इन इटली। सो गाइस, इटली के सिनेरियो में 2 साल का गैप इज फाइन, कि अगर आपकी प्रीवियस डिग्री में और जो आप न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइदर आपने FSC की हुई है या आपने AO लेवल्स किया हुआ एंड आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं एंड अगर आपका 2 साल का गैप है तो दैट्स टोटली फाइन, उस केस में इम्पैक्ट नहीं आता आपके वीजा अप्रूवल पे या उसके डिनाई होने पे, ठीक है, गैप के बिहाफ पे। सो 2 साल का अगर आपका गैप है तो दैट्स टोटली फाइन, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा का है तो फॉर दैट आपको पेपर वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको उस गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा विद सम पेपर वर्क कि आप उस सर्टेन ड्यूरेशन के दौरान किन चीजों में एंगेज थे, आइदर आप जॉब कर रहे थे, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैचलर्स करते हैं एंड आफ्टर बैचलर्स वो प्रॉपर करियर अपना स्टार्ट कर लेते हैं, वो जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, वो डिफरेंट इंटर्नशिप्स में एंगेज हो जाते हैं या प्रॉपर जॉब की तरफ चले जाते हैं, तो उस सिनेरियो में उनका गैप क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जिसने 2016 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट उन्होंने जॉब की एंड राइट नाउ अब 2022 में वो सोच रहे हैं फॉर हिज और हर मास्टर्स इन इटली। सो वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको अपने एक्सपीरियंस लेटर्स सारे प्रोवाइड करने पड़ेंगे एंड एम्बेसी में दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो इस सर्टन ड्यूरेशन के दौरान फारिग नहीं रहे, ही वॉज इन एंगेज इन समथिंग एंड वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे। तो अगर आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, आप उस गैप को जस्टिफाई कर लेते हैं विद सम पेपर वर्क विद सम एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपका उस स्टडी गैप का आपके वीजा पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन गाइज, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो वो आपके वीजा में असर करता है और आपका उसके बिहाफ पे वीजा रिजेक्शन आ सकती है। सो कीप इन माइंड कि अगर आपका गैप इन्वॉल्व है तो आप अपनी सारी सर्टिफिकेशंस एक्सेट्रा जो भी आपके पास पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनको अरेंज करें। अगर आपके पास नहीं पड़े हुए एंड आपने कहीं पर जॉब की हुई है तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप जाके अपने एम्प्लॉयर से अपने एक्सपीरियंस लेटर्स कलेक्ट करें, उनसे बनवाएं एंड उन एक्सपीरियंस लेटर्स को जरूर मेंशन करें अपने फाइल में ताकि वो आपके गैप को जस्टिफाई कर सके एंड एज अ रिजल्ट आपके वीजा के चांसेस को बढ़ा सके। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है सर्टन फील्ड का, इस तरह की चीजों को जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, वो चाहते हैं कि कैंडिडेट शुड बी इंडिपेंडेंट, वो खुद
अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा हो, ठीक है, वो इस तरह के कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं, तो डोंट वरी, अगर आपका स्टडी गैप है जस्ट जस्टिफाई इट विद सम पेपर वर्क एंड आई एम श्योर कि उसका आपके वीज़ा रिजेक्शन पे कोई असर नहीं आएगा, आपका वीज़ा रिजेक्शन उस वजह से नहीं होगी, ठीक है। बिसाइड दिस करेंटली वी आर ओपन, हम केसेस टेकअप कर रहे हैं फॉर बैचलर्स मास्टर्स एंड PhD, तो अगर आप सोच रहे हैं एंड आप खुद को इनरोल कराना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, वी आर राइट नाउ इन आवर लास्ट डेज, वेरी सून स्कॉलरशिप्स एंड एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, आफ्टर दैट जो एम्बेसी है वो अपॉइंटमेंट्स देने लग जाएगी, तो दिस इज द राइट टाइम, ग्रैब योर स्लॉट राइट नाउ फॉर सितंबर 2022 इनटेक एंड स्टार्ट योर करियर इन इटली एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। आई नो आज की वीडियो वॉज वेरी क्विक बिकॉज देर आर सर्टन क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने डिस्कशन करनी है एंड उनको काउंसल करना है, सो बट स्टिल आई थॉट कि आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ एंड आप लोग को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इस चैनल पर मैं बताता रहूँ। सो डू सब्सक्राइब एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। विद दिस आई वुड कंक्लूड टूडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग प्रोग्राम और अपॉर्चुनिटी और इन्फॉर्मेशन। Till that, Allah Hafiz.